ये लोग आपस में घूमने निकल गए, देखना कोई सेंस है इस बात का। केले केले घूम रहा कुणाल। तो अभी बज रहा है दिन के 3 और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नमस्ते मिडवे पे। नमस्ते मिडवे जो बिल्कुल ही मिडवे पे है पूरे रूट के। हम लोग वहां से निकले थे कितने बजे, 12:30 बजे के आसपास हम लोग निकले थे वैशाली से, और अभी 3 बज चुके हैं। रास्ते में काफी ट्रैफिक मिला, अनबिलीवेबल ट्रैफिक मिला। और ये प्लान मतलब जो हमारी ट्रिप बनी है वो भी बिल्कुल अनप्लान्ड थी, तो हमने को लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। बाकी मेरे साथ शिवम शर्मा है जो अभी खाना खाने वाला है। शिवम शर्मा आप कुछ बात कहना चाहेंगे, मैं इसे कट कर। हम कुणाल को नहीं लेके आए, हम बहुत खुश हैं इस टॉपिक से क्योंकि कुणाल एक ना बिल्कुल ही बेवकूफ किस्म का इंसान, घटिया वाहियात अनलिमिटेड से नॉन। तो अभी हम लोग फाइनली फिर से गाड़ी में आके बैठ गए हैं क्योंकि मैकडी में गए थे तो मैकडी के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। शिवम जो है वो मैकडी या फिर KFC का ही खाना खाता है, इसको बाहर खाना खाने की गंदी आदत लगी हुई है। हल्दीराम का खाना है, छोले भटूरे खाता नहीं है। तो शिवम ने मुझे ये बात बताई कि ऐसा होता है कि मतलब मैकडी में जो खाना स्लो मिलता है ना वो इसलिए मिलता है क्योंकि जो ड्राइव थ्रू वाला होता है वो जल्दी जल्दी बना रहे होते हैं, तो जो अंदर डिलीवरी होती है वो स्लो जाती है। और अभी हम देख के आए थे यहाँ पे तो सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी, सॉरी 1 गाड़ी थी, मैकडी के अंदर थी बहुत ज्यादा भीड़। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ड्राइव थ्रू पे आ जाएं क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जल्दी मिल जाता है। 2 मैकवेजी बर्गर, 2 पिज्जा मैकपा और पीरी पीरी फ्राई लूंगी, पेरी पेरी ऐड कर देना सर, पीरी पीरी। कुछ अलग बंदी फ्राई जाएंगे सर, शेक कर ब्रो, शेक इट बेबी। फोन की हो गई है बैटरी डाउन और जा रहा चार्जर रोड क्रॉस करके। अब पता नहीं कैसे जाएगा उस साइड एक शॉप दिख रही है हमें, ये छोटी सी शॉप, अगर यहाँ पे चार्जर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर फोन तो रेडी हो जाएगा रास्ते में। जितनी देर उसे कहीं पे हो गई है लग रहा है वो चार्जर लेके आएगा। मिल गया क्या चार्जर? क्या आ रहा है दूसरा चार्जर और ले आया दूसरा, अनदर वन। फाइनली आ गया चार्जर। और बढ़िया था, सनसेट एंजॉय करने के लिए रुके हम लोग। हम कोशिश कर रहे थे सनसेट शॉट अच्छा आए लेकिन ना सही जगह पे गाड़ी नहीं रुकता। ये
चुका है अराउंड 7 और हम यहाँ पे इन लोगों ने हमें डाइवर्ट किया देहरादून में घुसने से पहले और हम यहाँ रुके। इन लोगों ने हमसे सिर्फ 3 सवाल पूछे कि कहाँ से आयो, कहाँ जाओगे और गाड़ी का नंबर क्या। उन्होंने ये छोटी सी पर्ची पकड़ा के दे दी। अभी मैं थोड़ी देर में बना के दिखा दूंगा देखो ऐसी पर्ची सेम ऐसी 4-5 पर्ची आप लेके आइए अपने साथ इसी साइज की। साइज नोट कर देगा ये डिस्क्रिप्शन में सेंटीमीटर में और डेट और अपनी गाड़ी का नंबर लिख दो और आप चले जाओ और आप चले जाओ। तो ये रही देहरादून की वो हसीन गलियां। हम वापस आ गए देहरादून फाइनली 2 साल बाद। अब पता नहीं अभी हम डिसाइड कर रहे हैं हम कहाँ जाएं।